नक्सलियों के गढ़ में ही नक्सलियों को ललकारने पहुंच गई है हिंदुस्तान की एक दिलेर बेटी। हाथ में AK-47 लेकर वो जंगल के चप्पे चप्पे में देश के दुश्मनों की तलाश कर रही है। आपको दिखाते हैं लाल आतंक से लड़ती उस लेडी कमांडो का दम। घने जंगल का चप्पा चप्पा तलाश करती लेडी कमांडो AK-47 लेकर टीम को लीड करती लेडी कमांडो। आदिवासी महिलाओं को हिफाजत का भरोसा देती लेडी कमांडो। हाथों में AK-47 राइफल, बदन पर कमांडो की वर्दी, कंधे पर वायरलेस सेट और पैरों में फौजी बूट। नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले बस्तर में इन दिनों एक लेडी कमांडो की दिलेरी के चर्चे। यह है RPF की असिस्टेंट कमांडेंट उषा किरण, जो नक्सलियों के गढ़ में नक्सलियों का सफाया करने पहुंची। किसी भी संदिग्ध मूवमेंट की खबर लगते ही ये जांबाज कमांडो अपनी टुकड़ी लेकर जंगल में निकल पड़ती है। ये पहली बार है जब बस्तर जैसे खतरनाक इलाके में किसी महिला असिस्टेंट कमांडेंट की तैनाती की गई। बहुत अलग और बहुत अच्छा अनुभव रहेगा मेरे लिए बस्तर। अभी तक का मैं ये कहूँगी, मेरा बहुत छोटा सफ़र अभी बस्तर में रहा है, पर जहाँ तक मैंने देखा है कि बस्तर बहुत ही चैलेंजिंग, मैं कह सकती हूँ इसे टेरेन वाइज, और जो यहाँ की स्थितियाँ हैं उन्हें देख करके मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ यहाँ से सीखने को भी मिलेगा। प्रेरणा घर से मिली, क्योंकि मेरे घर में फोर्सेस की परंपरा रही है। मेरे दादाजी CRPF में अपनी सेवाएँ दे चुके हैं, मेरे पिताजी अभी भी CRPF में कार्यरत हैं, तो उन्हें देख देख करके बचपन से ही ये था कि मुझे भी फोर्सेस में आना है।